अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बादाम केसर दूध। तो हमने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है, 2 टेबलस्पून चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 12 से 15 बादाम लिए हैं और इन्हें 4 से 5 घंटे पहले पानी में भिगा दिया था, फिर इसे छील कर और थोड़ा सा दूध डालकर पीस लिया है। तो यहाँ हमने ये बादाम का पेस्ट लिया है और यहाँ कुछ धागे हमने केसर के लिए हैं। 3 से 4 काजू को हमने यहाँ बारीक काट लिया है। 4 से 5 बादाम, ये भी भीगी हुई बादाम थी तो इसे भी हमने काट लिया है। 4 से 5 पिस्ता, इसे भी हमने काट लिया है। थोड़ा सा हमने यहाँ इलायची पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम दूध को पकने रखते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को पका लेते हैं। तो यहाँ हमने गैस चालू कर दी है और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ खुद पे रखा है और इसे हम पका लेते हैं। तो थोड़ी देर दूध को पकाने के बाद में अब करेंगे हम यहाँ गैस को मंदा और इसमें डाल देंगे हम चीनी। इसी में डाल देंगे ये बादाम का पेस्ट, इसी में डाल देंगे इलायची पाउडर और यहाँ थोड़े से डाल देंगे हम यहाँ केसर के धागे और यहाँ डाल देंगे हम ये थोड़े से काजू और ये बादाम और थोड़े से पिस्ता और थोड़े से हम बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ सारी चीजों को डालने के बाद में अब यहाँ पर हम 5 से 7 मिनट इसे पकने देंगे। गैस की फ्लेम को हम मध्यम रखेंगे और मध्यम फ्लेम पर रखकर ही हम इसे पकने देंगे। यहाँ आप चीनी को भी चेक कर लें, अगर आपको फीका लगता है तो चीनी आप इसमें थोड़ी सी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने दूध को 5 से 7 मिनट अच्छी तरह पका लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ केसर का कलर भी दूध पर अच्छा आ गया है। तो ये बादाम केसर दूध पककर तैयार हो गया है। अब यहाँ कर देंगे हम गैस को बंद और इसे हम होने देंगे ठंडा। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा बादाम केसर दूध बनकर तैयार है। तो यहाँ हमने ये आधा दूध एक बॉटल में भर लिया है, इसे हम रख देंगे फ्रिज में। तो आप यहाँ ये दूध को स्टोर करके भी रख सकते हैं और सर्विंग के लिए हमने यहाँ निकाल लिया है 2 गिलासों में। आप यहाँ मिट्टी के बर्तन में या फिर कांच के कप में या गिलास में भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन हैं तो आप उसी में निकालें, ये दूध उसमें बहुत अच्छा लगता है। और गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पर थोड़े से काजू बादाम और केसर के धागे भी डाल दिए हैं। तो लीजिए, मज़ेदार सी ठंडी ठंडी रेसिपी बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।